पीछे से देखो पूरा ऐसे हाथी लग रहा है, हर हाथी का मुंह दिखाई दे रहा है और आगे गणेश जी है। नमस्ते, खमगनीसा एंड हियर इज द चिरमी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल चिरमी व्लॉग्स। तो मैच करने के वाले और होने के वाला उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। हमारे बीकानेर का आज मौसम एकदम मस्त हो रखा। सुबह सुबह मतलब मैं जब उठी थी 6:30 के लगभग, तभी तो अच्छा हो रहा था, अब तो फिर भी 7 बज रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ कितने मस्त बादल वगैरह हो रखे हैं। ठीक है, ये देखो हर जगह बादल ही बादल हो रखे हैं, एकदम काले काले बादल हो रखे हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे लग रहा है कि सुबह सुबह बारिश आने वाली है। तो आज क्या होने वाला है, तो आज है मंडे, तो फिर ट्यूसडे को है गणेश चतुर्थी। तो हमारे मंडे को यानी कि आज जो है वो कंपटीशन रखा है गणेश चतुर्थी का, जिसमें हमें इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी बनाने हैं। तो 10-10 लड़कियों का ग्रुप बनेगा जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमारा ग्रुप जो है हमने नाम लिखा दिया है, हम 10 जने पूरे ग्रुप में, और इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने हैं। तो हम बनाने तो गणेश जी पेपर से कुछ वाले हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि हम कुछ करने वाले हैं पीपल के पत्तों से। तो मुझे थोड़े पीपल के पत्ते वगैरह लाने हैं, तो मैं सोचा सुबह ही लूँगी। तो अभी हम पीपल के पत्ते लाने चलते हैं, और आज जो भी एक्टिविटी होगी, लाइक जो भी गणेश चतुर्थी होगी, और बाकी सारे इतने सारे ग्रुप हैं, जूनियर्स भी हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं, तो मैं दिखाऊंगी कि कौन क्या क्या कैसा कैसा बना रहा है। ठीक है, तो आज का थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि गणेश चतुर्थी से लेकर है। सो लेट्स सी कितना मज़ा आता है कॉलेज के अंदर। आज हम सब एक्साइटेड कि होने का वाला है, कौन सी टीम विनर होगी, तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैं आ गई हूँ पीपल के पत्ते तोड़ने के लिए यहाँ पर, के लिए कॉम्पिटिशन में कैसे तोड़ू कहाँ से तोड़ू। मेरे तो हाइट इतनी छोटी है, पत्तों तक भी नहीं पहुँच रही मैं तो ढंग से। चलो आप पत्ते तोड़ते फिर बात करते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने जो जो मंगाया था मैंने रख लिया है, ब्रश और पीपल की पत्तियाँ और मूली और कुछ टिश्यू पेपर, फेविकॉल और न्यूज़पेपर वगैरह भी रखी हैं। तो मैंने सारा सामान अब इसको बैग में रख लिया था फटाफट से, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। सो एवरीवन मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं भी साफ कर रही हूँ, और अब कभी भी मेरी वैन आ सकती है और मैं बाहर खड़ी हूँ। मैं उनका वेट कर रही हूँ कि जैसी आएगी फटाफट से बैग उठाऊँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मतलब मुझे ना गुलमोहर के पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे घर के सामने भी लग रहे हैं। अब उसमें ना फ्लावर आ गए रेड कलर के, और रेड मेरा फेवरेट कलर, तो मैं आपको दिखाती हूँ गुलमोहर। फिर इसमें रेड कलर के फ्लावर आ रखे हैं, मतलब मुझे गुलमोहर का ट्री वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसमें भी रेड कलर के फ्लावर आ रखे थे, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पास से दिखाती हूँ, दिख रहे हैं क्या प्रिटी प्रिटी फ्लावर। मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था कि जब ट्री को आप हग करते हो तो सारी नेगेटिविटी ट्री आप में से ले लेता है। तो ये मेरा फ्रेंड अशोक 1 और ये अशोक 2, और पीछे से आ रही है मेरी वैन, दिखाई दे रही है क्या छुटकू वैन आ रही। ठीक है चलो मैं बताती हूँ, बाय बाय। सो एवरीवन अब कॉलेज में आ गए हैं, असेंबली हॉल से नीचे आए क्लासेस के अंदर, और अभी थोड़ी देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैम ने बोला है कि इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना स्टार्ट कर दो, जो बनाएंगे तब दिखाऊंगी। उसके ऊपर मैंने गणेश जी को ड्रॉ करा। कपड़े बहुत सुंदर पहन रखे हैं, ये आवाज जाएगी। तो गाना जो लड़कियां गणेश जी नहीं बना रही है ना, उनके नंबर कटने वाले हैं। हमारा ग्रुप समझदार निकला, हमने पहले ही नाम लिखवा दिया। हमारे रितु बना रही, जब बन जाएगा तब लिखेंगे, अभी चल रहा है काम, प्रगति पे है काम, बहुत प्रगति पे काम, धीरे धीरे चल रहा है। तैयार हो गए क्या? कैसा लग रहा है रितु? रितु बोल। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे शेप आ जाए, अभी इसको कवर करेंगे, ऐसे नहीं एक बार नहीं। इसके अंदर बच्चे कैसे क्या बना रहे, 3 ग्रुप है क्या यहाँ पे? चलो देखते हैं। पत्ते वाले गणेश जी बना रहे हो क्या? ठीक है, तुम्हारे गणेश जी भी फ्लावर वाला भी अच्छा लग रहा है। बात छोरे दिमाग तो तगड़ा लगाया। गॉड वाओ क्यूट बना रहे तुम्हारे गणेश सही में। व्लॉग अरे कैसे चल रहा है? अरे सारे सारे व्लॉग भी देख लेना। देखना
क्यूट। तू तो मुझे खाने सारे के सारे। ओह माय गॉड गणेश जी, इस ग्रुप के गणेश जी बन चुके हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं। जय हो गणेश जी। क्यों ने बहुत मेहनत की है भाई। अच्छा सजाया गणेश जी। रेडी गणेश जी, आप बहुत ज्यादा क्यूट बेबी लग रहे हो। क्या जो बना रही है, अभी मैं चूहा बनाया है पार्वती ने, तो क्यूट से चूहा बनाया है। मतलब पूरा बना नहीं है, पर इसकी शेप वगैरह बहुत क्यूट लग रही है। इसके अंदर हम रखेंगे फ्लावर्स, फ्लावर्स रोजेस रखने वाले हैं। देखो क्या होता है, लेट्स सी। क्यूट लग रहे ना। हमारे कॉलेज साइड में बहुत भयंकर मौसम हो रहा है, अभी दिखा दे। काले बादल, और सुबह से काले काले बादल हो रहे थे हमारे घर के साइड में, काले काले बादल हो रहे थे सुबह सुबह। यार इतनी जोर से बरसो, इतनी जोर से बरसो, पूरे बिगाने के रास्ते जाम हो गए। तो लकी दी, आप क्या कर रहे हो? ये कलरिंग हो रही है चूहे पे। ये कलर ठीक है क्या? देख भाभी साहब हमारे बना रहे हैं चूहे को। सही क्या टाइम हो गया? क्योंकि तू उसमें ना थोड़ी आगे वाले ज्यादा दिखेगा। फिनिशिंग भी तो देगी, वो आईज वगैरह बनानी है, सब बनानी है ना, टाइम लगेगा। सही बात है भाई। थोड़े थोड़े गणेश जी रेडी हुए हैं। ये फीचर रियल का एलिमेंट है। आगे हमारे गणेश जी है प्रियंका, इसको हमारे रितु ने कलर करना शुरू करा है। हेलो गणेश जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। मैं देखा ऑलमोस्ट सभी क्लासेस ने अपने गणेश जी कंप्लीट कर लिए। हमारे गणेश जी भी चल रहे हैं बन रहे, तो मैं दिखाती हूँ हमारे कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ मेरे हाथ का लग रहा है। ये देखो हमारे ये हाथी है पीछे से, और रियल में आगे गणेश जी हमारे बन रहे हैं। फाइनली हमारे गणेश जी बन चुके हैं, हम सबकी थोड़ी दौड़ चल रही है, फोटो क्लिक करा ले इसके साथ। तो एवरीवन हमारे कॉलेज में आज हो रहा है गणपति महोत्सव, हम जा रहे हैं असेंबली हॉल में। ऊपर सारे बच्चे पहुंच चुके हैं, हम थोड़ा लेट हैं। हम लोगों ने गणेश जी बनाए थे, हम सबको यहाँ डेकोरेट किया है। क्यूट लग रहे हैं।